दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल आप सभी के साथ एक बार फिर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, यस बैंक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और यस बैंक के बारे में सिर्फ एक लाइन में बात करूंगा मैं, वर्स्ट इज नॉट ओवर। अभी बुरे दिन खत्म नहीं हुए हैं यस बैंक के। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अलर्ट दिया था कि 175 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल सपोर्ट लेवल इन द यस बैंक, जो कि आज ब्रेक हो गया है। और अगर टिल फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग टाइम तक अगर यस बैंक 175 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, देन डेफिनेटली यस बैंक फिर आपको 150 और इवन 130 तक के लेवल्स दिखा सकता है। गिरावट के कारण कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो विश्वास होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रस्ट, अगर किसी चीज़ पर ट्रस्ट अगर बनाना है तो उसमें सालों लग जाते हैं, और यस बैंक ने भी ट्रस्ट मेंटेन करने में, बनाने में सालों लगाए थे। और यही रीज़न था कि यस बैंक एक अच्छे लेवल पर ट्रेड भी कर रहा था। लेकिन एक छोटी सी गलती, कहते हैं कि छोटी सी गलती से जो विश्वास जब टूट जाता है, ट्रस्ट जब ख़त्म होता है, तो उसको फिर दोबारा लाने में फिर सालों का समय लगता है। क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूट गया तो उसको फिर दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल होता है। यही कुछ यस बैंक के साथ हो रहा है। अगर उस वक्त राणा कपूर MD और CEO के पद से हट गए होते, कोई और आ जाता, तो मुझे लगता है कि हो सकता था यस बैंक में ये बुरे दौर देखने को नहीं मिलते। लेकिन एक राणा कपूर के चलते अब जो भी न्यूज़ आ रही हैं निकल के, वो काफ़ी बड़ी खबरें हैं। और यही कारण है कि यस बैंक में लगातार हमें बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी लगभग यस बैंक में 11% की गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही ख़राब दिन रहा यस बैंक के लिए। तो दोस्तों, अभी यस बैंक में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल थी, फंडामेंटल है, बहुत सिंपल थी, बात कहूँगा एक लाइन में। 165 के नीचे अगर फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के नीचे चला जाता है, देन आप आफ्टर 3 o'clock आप एग्जिट कर जाइए काउंटर से। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ्राइडे क्लोजिंग में अगर आपको 3 बजे तक यस बैंक 165 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, देन आप काउंटर से अपनी पोजीशन को कट करके बाहर आ जाइए। क्योंकि उसके बाद काउंटर आपको 150 और लोअर लेवल्स, यानी कि लगभग 130 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये यस बैंक के बारे में हमने बात की। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ न्यूज़ आएंगे राणा कपूर के बारे में। आज 28 नवंबर को राणा कपूर्स कंपनी यूज्ड बोरोड मनी टू इन्वेस्ट इन द प्राइवेट फाइनेंस फर्म, यानी कि एक नया एलिगेशन आए हैं सामने, कुछ नए रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। जो भी एलिगेशन लग रहे हैं कि राणा कपूर की कंपनीज यूज्ड बोरोड मनी, की जो राणा कपूर की जो कंपनीज थी, उन्होंने बोरोड मनी जो था उसको अपनी प्राइवेट फाइनेंस फर्म के अंदर यूज़ किया है। और यही न्यूज़ आज गिरावट का बड़ा कारण बनी है यस बैंक के अंदर। इस न्यूज़ में क्या है, यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर्स इन्वेस्टमेंट कंपनीज में कम अंडर द लेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द इवन रेगुलेटर्स फॉर रिपोर्टेडली यूजिंग बोरोड मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स एंड द इन्वेस्टेड द सेम एज द इक्विटी इन द फाइनेंस कंपनी थ्रू आ क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि अभी अगर कहा जाए जिनके बारे में इंक्वायरी बैठ सकती है और इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। राणा कपूर यस कैपिटल बोरोड फंड्स फ्रॉम द मार्केट, अ पार्ट ऑफ विच वॉज इन्वेस्टेड इन द आर्ट कैपिटल विच सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टेड अ पोर्शन ऑफ द आर्ट हाउसिंग फाइनेंस थ्रू सब्सिडरीज। द इकोनॉमिक टाइम रिपोर्टेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डेट एज अ इक्विटी टू आर्ट कैपिटल इज रिफ्लेक्टेड इन द यस बैंक्स बैलेंस शीट, सोर्सेज टोल्ड द पेपर, एडिंग दैट द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द बोथ कंपनीज इज विद यस कैपिटल विच ऑल्सो ओन्स शेयर्स इन द यस बैंक। तो इनका जो इलीगल या जो कहते हैं कि क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन है, वो एक बड़ा कारण बन सकता है आगे और बड़ी गिरावट का यस बैंक के अंदर। ओवरऑल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं यस बैंक के अंदर। और मुझे लगता है कि अब फिलहाल अगर हम चार्ट बेसिस पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को चार्ट बेसिस पे बताया था, जब यस बैंक 220-215 के आसपास था, तो मैंने आपको कई बार बोला कि जब तक यस बैंक 250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, उसमें पोजिशन को नहीं क्रिएट करना है। या फिर आपको अगर 175 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता तो वो बेस्ट स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर आज कल तक लगभग वो सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज एक और बैड न्यूज़ के चलते, जो कि एलिगेशंस लगे हैं क्वेश्चनेबल, जिसमें कि ये कहा गया कि वो बोरोड मनी को अपनी अदर कंपनी में यूज़ कर रहा था, इस पर राणा कपूर यूज़ कर रहे थे,
उसकी वजह से आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली येस बैंक में, और येस बैंक ने अपना जो बड़ा सपोर्ट जोन है 175 का उसको भी ब्रेक कर दिया। खैर अब येस बैंक में मैं फिलहाल की वैसे भी मेरी जो कॉल थी वो अब ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, 175 का मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस येस बैंक के अंदर आप सभी को दिया था, और येस बैंक अब उस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के नीचे जा चुका है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर सपोर्ट लगाए गए, ओके हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू आप देखेंगे कि ये जो जे एरिया है इस एरिया के नीचे अगर आप बात करेंगे तो दिस वन 29th अप्रैल 2016 के बाद कभी भी 177 के नीचे येस बैंक का काउंटर नहीं गया। उसके बाद जब ये जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है येस बैंक में राणा कपूर के चलते, उसमें 28 सितंबर को येस बैंक ने अपना जो लोएस्ट लो टच किया था वो 166 का लोएस्ट टच किया था, वीकली 52 वीक लो टच किया था, मेंटेन किया था, बट जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग 28 सितंबर के वीक में आई थी, जो उसकी क्लोजिंग थी 183.85 यानी कि 175 से ऊपर थी। बट आज आप देखेंगे यहाँ पर पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से येस बैंक अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पिछले 9 हफ्तों से येस बैंक 177 का लेवल होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ऊपर जाता फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता, बट फाइनली आज चूंकि एक बड़ी न्यूज़ आई, फिर से कुछ नए एलिगेशंस लगे और उसके चलते आज जो 11% की बड़ी गिरावट रही येस बैंक में, उसमें येस बैंक ने अपने लोएस्ट लो को टच किया, 52 वीक लो को टच किया, जो कि 160.15 था और अपने लो के करीब ही क्लोजिंग भी दी है 161.70 में। तो ये इंडिकेशन है येस बैंक में एक बड़ी गिरावट का, बड़ी वीकनेस का, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर टिल फ्राइडे येस बैंक के अंदर रिकवरी नहीं आई तो फिर येस बैंक आपको 130 से लेके 140 की रेंज में डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। रिवर्सल आने में कितना समय लगेगा नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। चार्ट्स काफ़ी बेरिश मोड में हैं, अगर मैं बात करता हूँ वीकली या मंथली चार्ट की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो काफ़ी नेगेटिव है। अब चूंकि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है और इसने मंथली अगर क्लोजिंग येस बैंक ने 175 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, सो डेफिनेटली मंथली चार्ट पर भी येस बैंक बहुत वीक हो जाएगा और वहाँ पर फिर इंडेक्स सपोर्ट जो है वो लगभग 135 या 136 के आसपास चला जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर येस बैंक ने टिल फ्राइडे रिकवरी नहीं दिखाई, फिलहाल मैं अब इस काउंटर के अंदर पोजिशंस को रखने की सलाह नहीं दूंगा। आपका पैसा है, आपका निर्णय है, सोच समझ कर प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। बट एक बड़ा 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 सपोर्ट टूट चुका है जो कि 175 रुपये यानी 175 रुपीज़ के आसपास था, वो अब टूट चुका है और यहाँ पर एक और बड़ी वीकनेस अब हमें येस बैंक में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ द टारगेट जो येस बैंक का है वो लगभग 135 से 140 का मुझे नज़र आता है, जो कि आपको फरवरी 1 से पहले देखने को मिल सकता है, यानी अगले 2 महीने में आपको ये काउंटर 130 से 140 की रेंज में भी दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये हम लोग पहले से ही अजम्पशन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। खैर काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि येस बैंक में शायद रिकवरी आ जाए, लेकिन मैं उन सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए। मैंने भी येस बैंक के अंदर लॉसेस बुक किए हैं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ कभी नहीं खेलता, स्टॉप लॉस हिट देन एग्जिट पोजीशन आइदर इन द प्रॉफिट और इन द लॉस। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ खेलेंगे, स्टॉप लॉस को बार बार ट्रेल करेंगे, कम करते जाएंगे, देन आप कभी भी काउंटर से एग्जिट नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे आपके नुकसान बड़े 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 और बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर आपको नुकसान बुक करने में भी बहुत परेशानी होगी, बहुत पैनिक होगा। तो जितना जल्दी आप लोग लॉसेस बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब सेंटिमेंट्स किसी भी काउंटर के पॉजिटिव लगते हैं, अगर लगता है कि कोई पूरा मार्केट ही करेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, ओके काउंटर के फंडामेंटल्स ओके हैं, मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है इसलिए काउंटर गिर रहा है, बट जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ कुछ खराब खबरें, कुछ गलत न्यूज़ चलती रहती हैं और लगातार आती रहती हैं तो उस काउंटर में रुकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने पीछे वक्रेंगी में देखा, 550 रुपये का स्टॉक 20 रुपये पे आते हुए देखा, हमने पीसी ज्वेलर को देखा 600 रुपये का स्टॉक 60 रुपये पे आते हुए देखा। तो क्या गारंटी है कि येस बैंक हमें 130 या 120 या उससे नीचे के लोअर लेवल्स पर भी नहीं दिखाई देगा। बी अलर्ट, बी केयरफुल
और यही स्टॉक मार्केट का फंडा है कि आप जितना सावधान रहेंगे, जितने स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, अपने टेक प्रॉफिट के साथ, उतना ही आप मुनाफा कमाएंगे और उतना ही कम आपको लॉस लेने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको डराएंगे और आपको लॉस लेने से भी रोकेंगे और प्रॉफिट बुक करने से भी रोकेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ नए काउंटर के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप यस बैंक पर नज़र बना कर रखिए, और कल किस तरह की ओपनिंग होती है, किस तरह का ट्रेंड रहता है यस बैंक में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है ट्रेंड वीक है और यस बैंक में कल भी नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। खैर, आप लोग नज़र रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी आपके प्लानर हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा, और जितना जल्दी हो सके अपना डिसीजन फॉर्म कीजिएगा और क्विक एक्शन लीजिएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम लॉस बुक करके काउंटर में अपनी पोजीशन को या तो बनाएंगे या निकल जाएंगे, बट जो भी डिसीजन आप लेंगे वो समझदारी से भरा हुआ होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा कुछ नए काउंटर के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।